हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले हैं B5 का। कहोगे महाराज B5 का आज करा रहे हो? देखो कल किसी काम में मैं बिजी था तो मैं ज़्यादा रिव्यू नहीं करा पा रहा हूँ, बट जो भी है चलो आज मैं कराता हूँ और ए टू जेड स्टडी को एक्सपोज भी करते हैं। चलो कोई मतलब नहीं कि हमने पढ़ाया कि क्या किया, एक्सपोज करते हैं अपने आप को कि सच में पढ़ाया हुआ आता है कि नहीं, कैसी मास्टर साहब खाली फेंकते हो। देखो पहला क्वेश्चन था एग्जीबिशन का करेक्ट स्पेलिंग था, तो ये तो हमारा पढ़ाया हुआ नहीं था, तो फिर आपने तो पैसा बर्बाद कर दिया सर जी। तो हाँ ये एक्सिबिजन का जो है ना, एक्सिबिजन ये जो हमारा पढ़ाया हुआ नहीं था, ठीक है, तो ये चीज़ कह सकते हैं कि हमारा पढ़ाया हुआ नहीं था। बाकी सैबी का एंटोनीम आया था, डिस्पेयर का सिनोनीम आया था, तो चलो देखते हैं कि ये आया हुआ था कि नहीं। सैबी का एंटोनीम, डिस्पेयर का सिनोनीम, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ये PDF जो है हमारा, ये है वोकैबलरी का PDF है, ठीक है। आप भी खोल लेना अपना वोकैब का PDF और चेक करना, इस पर सर्च मारना ऊपर में ऐसे SHA B और आ गया, लो सेबी का ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो सेबी है यहाँ पे, सेबी का जो भी पूछा था इसका मतलब होता है जर्जर होना, सिनोनिम मतलब माइजरेबल इम्प, ये जो भी है ना, और एंटोनिम हो जाएगा प्रोस्पेरस, ठीक है, कंजूसी होना वगैरह करके। ये आप सिनोनिम पूछा था कि एंटोनिम पूछा था, तो जो भी पूछा था सेबी का हमने क्वेश्चन दे रखा था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आ गया है मास्टर साहब, ये वो क्वेश्चन आ गया, पूरा ढिंडोरा पीट रहे हो। अच्छा रुको रुको, अभी डिस्पेयर भी पूछा गया था, ठीक है, तो लो तो डिस्पाई से मास्टर साहब, ये देखो डिस्पेयर्स भी आ गया, ये वाला सर्च किया हमने। तो देखो हमने पढ़ाया था एक्सटैक्सी का मतलब होता है परमानंद, और इसका सिनोनिम होता है डिलाइट या फिर एक्सुलेशन, ठीक है, और एंटोनिम हो जाता है डिस्पेयर। तो डिस्पेयर का अगर सिनोनिम पूछा गया था तो कैलामिटी, डिस्पर्सन या फिर डिस्पेयर का एंटोनिम होता, तो ये सब एंटोनिम हो जाता है इसका। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि दोनों सिनोनिम एंटोनिम आए थे। तो अच्छा दो क्वेश्चन आके हीरो बनते हो, और दिखाओ और कितना आया था। अच्छा ठीक है, हम कल B5 शिफ्ट का ही बात करते हैं, रुको कौन कौन सा और आया था। तो मास्टर साहब नाइदर यू नॉर आई करके एक सवाल आया था, ड्विंडलिंग का अपोजिट था पैसेज में, तो ड्विंडलिंग वर्ड आपने क्या दिया था हमें, नाइदर और नॉर का तो अभी कहानी साइड में रखो, पहले वोकैब के बारे में बताओ, ड्विंडलिंग दिया था आपने कि नहीं दिया था। तो मैं चलो चेक कर लेता हूँ वही दिया था कि नहीं। तो अब ड्विंडलिंग भी सर्च कर लेते हैं, ड्विंडल, तो ड्विंडल जो है ना, ड्विंडल का ड्विंडलिंग बना दिया गया है अब B4, तो ड्विंडल नहीं है मास्टर साहब लगता है। अच्छा ड्विंडल आ गया, देखो ड्विंडल का आ गया, कहाँ गया, ये रहा ड्विंडल का आ गया आपका। वेन का मतलब होता है पतन होना, डिक्लाइन और ड्विंडल उसके सिनोनिम में, और एंटोनी में आया था एमिलोरेट और राइज, ठीक है। तो ड्विंडल का एटलीस्ट आपको पता होता तो पैसेज के अंदर भी मार लिए होते फट से आंसर कि सिनोनिम क्या हो जाएगा, डिंडल का मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो ये वर्ड भी आया था, चलो ठीक है, तीन ही तो आए। अरे महाराज 4 वर्डे आ रहा है जिसमें से 3 हमने दे दिया, तो क्या चाहते हो, पेपर आउट करा दे, अपने आप पे केस करवा लें, हाँ दुकान बंद कर ले अपना, नहीं ना, तो 4 वोकैब में से 3 हमारे पास आए, और 1 तो हमको पता ही नहीं है, और EDM तो हमको बताया ही नहीं किसी ने कि क्या आया था, वो भी दिखा देते PDF में खोज के, बाकी PDF में से खोज के देख लो, ठीक है, पैसे वेस्ट हुआ कि इन्वेस्ट हुआ खुद पता चल जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, अब ये बताओ नाइदर यू नॉर आई का बताओ आपने कब पढ़ाया था, तो उसको भी पढ़ाया था Top 200 ग्रामर के रूल्स के अंदर, PDF फ्री में दिया था उसका, वो भी देख ही लो, लगे आ तो उसको भी दिखा देते हैं। ये जो इंग्लिश ग्रामर के Top 200 रूल्स दिए थे ना, उस रूल का पहला रूल देखो कहाँ है, पहला रूल ही आ रहा है कि नाइदर के साथ नॉर लगता है ऐसे करके, और ना सिर्फ रूल बल्कि उस पर एग्जाम्पल भी पूरा वीडियो में भी पढ़ा रखा था मैंने, आइदर राम और मोहन इज गोइंग, और पूरा इसके बाद ना मैंने ये भी पढ़ा था, देखो आइदर नाइदर नॉट ओनली के साथ अगर प्रीपोजिशन आया है तो आगे भी प्रीपोजिशन आएगा, एडजेक्टिव आया तो आगे भी एडजेक्टिव आएगा, नाउन आया तो आगे भी नाउन आएगा, तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे देखो पढ़ा रखा था, आइदर राम नॉर मोहन इज गोइंग। तो हमने कहा था ना कि देखो आइदर के साथ क्या आया है, और आया है, तो आइदर के साथ और आना चाहिए था, लेकिन अगर नाइदर के साथ क्या आया ना, वो एग्जांपल मैंने बताया था कि अगर जैसे आप एग्जांपल यहाँ पे ले लो कि अगर आइदर के साथ नॉर नहीं आ सकता, ठीक है, और नाइदर के साथ और नहीं आ सकता, ये दोनों गलत हो जाएंगे, तो नाइदर के साथ नॉर आएगा, आइदर के साथ और आएगा, और जब भी आएगा तो अगर नाइदर के जस्ट बाद प्रीपोजिशन आया तो नॉर के जस्ट बाद ही प्रीपोजिशन आएगा, अगर नाइदर के साथ एडजेक्टिव तो नॉर के साथ भी एडजेक्टिव, नाउन अगर आया नाइदर के बाद तो नॉर के साथ भी नाउन, ऐसे बहुत सारे पूरा डिटेल में जाके पढ़ा रखा था, पूरा PDF पढ़ोगे तब तो समझ में आएगा ना, नो सुनर हार्डली स्कार्सली देख रहे हो, सब कुछ यहाँ पे पूरा बढ़िया से पढ़ा के आपको भेजा था, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा चलो मास्टर साहब अंग्रेजी में 2-3 बना के हीरो बनते हो, आगे और भी बताओ कुछ,
अच्छा ठीक है, देखो एक एक्टिव पैसिव आया था, मुझे लगता है कि एक्टिव पैसिव वही था जो मैंने वीडियो में पढ़ा रखा था, नरेशन भी शायद करा रखा था। फोंड फोंड के साथ प्रीपोजिशन बताना जरा, फोंड के साथ प्रीपोजिशन पढ़ाए थे का? अच्छा ये भी सवाल आता है कि फोंड के साथ प्रीपोजिशन, चलो फिर इसका भी दुख दूर करते हैं हम लोग। तो फिर से ओपन कर लो इंग्लिश के जो टॉप 200 ग्रामर्स का ग्रामर का रूल दिया था, और लास्ट में मैंने पढ़ाया था, मैंने कहा था ना कि देखो इंग्लिश 90% जो है ना हमारी PDF से आने का है, ग्रामर हो चाहे वोकेबलरी हो। तो इसमें अभी थोड़ा नीचे आते हैं, ये तो ग्रामर का रूल चल रहा था, इसमें फिक्स प्रीपोजिशन भी मैंने डाल के दे रखा था। फॉन्ड ऑफ लगता है, तो ऑफ वाला किधर गया भैया? देखो देखो मैंने पेन से लिख के दे रखा था आपको, मैंने कहा था कि फॉन्डनेस के साथ फोर लगता है लेकिन फॉन्ड के साथ ऑफ लगता है, तो मैंने कहा ही दिया था, मुझे पता था कि इस बार एग्जाम में आने वाला है, क्योंकि हम चमत्कारी आदमी हैं ना, हमको पता होता है मैक्सिमम चीज़ें, ठीक है। चलो ये तो खैर मजाक चल रहा था, बाकी फॉन्डनेस के साथ फोर लगता है, फॉन्ड के साथ ऑफ लगता है। और इस चीज़ को ना मैंने नीचे भी देखो इधर इधर कहीं दे रखा होगा, देखो इधर भी दे रखा था फॉन्ड के साथ ऑफ लगता है, लगाव होना, ठीक है। तो मैंने जो जो चीज़ें मार्क करी थी वो सभी कहा था कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जो जो चीज़ें मार्क करके भेजा था मैंने कहा था जो जो इम्पॉर्टेंट है उसको मैं मार्क कर देता हूँ, और बाकी आप समझदार हो समझ सकते हो। आगे क्वेश्चन देखते हो और क्या क्या आया था, वैसे डाई से भी आ गया था ना, डाई वाला तो मैंने वीडियो में पढ़ा रखा था इन सभी चीज़ों को। एक क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से था, वो जो भी था वो मैं गारंटी देता हूँ वो भी हमारे टॉप 200 PDF के अंदर से होगा, ग्रामर्स के रूल के अंदर से। और टॉप 200 ना ग्रामर के रूल नाम के लिए थे, उसमें से अराउंड 50-60 ग्रामर के रूल थे, बाकी तो फिर फिक्स प्रीपोजिशन भर रखा था मैंने 100-150, ठीक है। तो ग्रामर के रूल बहुत ही लिमिटेड होते हैं, 50 ग्रामर के रूल रट जाओगे ना 90% इंग्लिश के ग्रामर को कॉमन एरर को टैकल कर लोगे। तो ये मेरा अपना फंडा है और मैं इसी से कर लेता हूँ, ठीक है, पूरी इंग्लिश ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। रीजनिंग आपके प्रैक्टिस सेशन से डिक्टो मतलब सेम टू सेम था। ICC वीमेंस अंडर 19 कंट्री विनर, ये मुझे लगता है कि इंडोनेशिया है, ठीक है, ये हमारे PDF से नहीं था। एक क्वेश्चन था पेरियार डैम, ये यूट्यूब पे कराया हुआ था जो कि केरल के अंदर है। एक बेसिक क्वेश्चन थे प्रॉफिट लॉस के, एक मॉडरेट क्वेश्चन फ्रॉम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, और एक क्वेश्चन फ्रॉम एवरेज ऐसे करके था। और इन्होंने कहा कि 46 अटेम्प्ट कर रखे हैं और जिसमें से 40 प्लस आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो गाइज ये आयुष की है और आयुष SSC GD की भी अभी एग्जाम देने वाले, और आई होप कि इनका ये भी क्लियर हो जाए और SSC GD भी क्लियर हो जाए। तो एक बात फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर आप एयरफोर्स GD की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन की, तो एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन के लिए हमने PDF बना दिया है, तो जाके आप उसको बाई करके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ सकते हो, एग्ज़ाम से पहले PDF को देख सकते हो कि हमने टॉप 25 टॉपिक्स को कवर रख कर रखा है जो प्रीवियस ईयर आए थे पिछली साल। वो भी पहले तो हमने 15-16 करंट टॉपिक पे पूरा लिख दिया है, COVID-19 पे, रशिया, इस पहले पुराना PDF होगा किसी के पास तो उससे फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी हमने इसमें नया नया चीज़ें भी ऐड कर रखा है। देखो अग्निपथ स्कीम ऐड कर दिया, मोबाइल फ़ोन, स्वच्छ भारत मिशन, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ऑनलाइन लर्निंग, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, को एजुकेशन, डॉरी सिस्टम, ये सभी चीज़ें नया ऐड कर रखा है, ठीक है। और इसको या कैसे के ऐड कर रखा वो चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कुछ ऐसे कैसे, तो ऐसे देखो मैं बताता हूँ, जैसे क्या एग्जांपल के तौर पे दूँ आपको मैं, इधर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, ठीक है। तो आपको ये आपको ग्रुप डिस्कशन में इंग्लिश में ही पढ़ना है तो आप इंग्लिश में ही पढ़ोगे, हिंदी नहीं, जो चीज़ इंग्लिश में है उसको हिंदी में पढ़ के क्या फ़ायदा है। आप ऐसे पढ़ोगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज ए कॉमनली कंसिडर्ड अ थ्रेट एंड बर्डन ऑन द अर्थ वगैरह वगैरह, आप पढ़ोगे और दोस्तों के साथ इसको ग्रुप डिस्कशन में करोगे। तो हमने कंप्लीट एक ग्राफ पैराग्राफ लिखा है इसके ऊपर, ठीक है, इसकी एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, वो सब चीज़ें। इसको अगर बाई करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बाई कर लो, या फिर मल्टी मेंबर को व्हाट्सअप करो 7279047787, इसकी प्राइस अभी कम है, रिजल्ट आने के बाद इसकी प्राइस को हम लोग हाई कर देंगे। तो देख जल्दी से जाके इसको व्हाट्सअप करके बाय कर लो PDF को। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।